बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल व्लॉग 786। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, फ़िट होंगे और मज़े से भी होंगे। तो आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आज का व्लॉग जो है आप लोगों ने ज़रूर फुल वॉच करना है। ये रिव्यू है जी आइसक्रीम का, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैंने आइसक्रीम भी बनाई है, लेकिन उसका रिव्यू नहीं था आपको दिया। तो ये जो आइसक्रीम है, ये इसकी फ़ाइनल लुक है, देखिए इतनी मज़े की बनी थी। लेकिन जो बच्चे दूध वगैरह पसंद नहीं करते वो तो मुझे लगता है मुश्किल से ही खाएंगे। तो और ये है जी पार्सल, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था एक सूट, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसको जी हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा आया है ड्रेस। मैंने खोला नहीं था तो मैंने कहा आप लोगों के सामने जो है ना मैं इसको खोलूँगी। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन स्टफ़ अच्छा है क्योंकि साया ब्रांड का है और स्टफ़ तो अच्छा ही है, कपड़ा अच्छा है। लेकिन इसका मुझे कलर वगैरह जो है ना जैसा मुझे वीडियो में नज़र आ रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है। और ये कुछ हमने शॉपिंग की थी, ये कपड़े हैं जी मेरे हस्बैंड के और ये हैं हरीम के कपड़े और साथ जो हैं मैं लेसिस वगैरह और नलकियाँ वगैरह लेके और सारा कुछ यानी कि कंप्लीट करके तो फिर बाज़ार से मैं होके आ गई थी। यानी कि ईद की शॉपिंग जो है ना वो तकरीबन हो गई है, बस जूते वगैरह रह गए हैं। तो कपड़े मैं खुद ही स्टिच करूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जी कोशिश करूँगी कि खुद ही प्यारे प्यारे से कपड़े जो है वो स्टिच कर लूँ। जब करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी कि मैंने कैसे जो है वो कपड़े सिलाई किए हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी जो है मैं फिर बाज़ार से आके फिर हमने बनाया था खाना, तो ये है जी चिकन कढ़ाई बना रही हूँ मैं। थोड़ी सी डिफरेंट है रेसिपी और बहुत इजी भी है और मज़े की भी है, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। सबसे पहले तो हमने जो है पहले आपको दिखाया होगा नज़र आ गया होगा कि हमने लिया था प्याज और उसमें लहसुन डाला है, उसमें आप सब्ज़ मिर्ची और अदरक भी डाल के इकट्ठा ही तो उसको ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है ना वो सिर्फ़ प्याज और लहसुन को ग्राइंड किया था और उसके बाद जो है उसके अंदर से थोड़ा सा मिक्सचर निकाल के तो वो लगा दिया है हमने चिकन को। चिकन को अच्छे से धो लिया था तो प्याज और लहसुन का जो पेस्ट यानी कि वो बन गया था वो इसके ऊपर लगा के साथ मैंने ये मिर्चें लगाई हैं, चिली फ्लेक्स, और साथ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक। और उसको आप चाहें तो पहले मैरिनेट करने के लिए रख लें, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इतना, फिर मैंने उसी टाइम लगा के फिर उसको कर लिया था, फ्राई की करना था तो वो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में अब। और बाकी का जो स्टेप वाइज मैं आपको बताती रहूँगी कि कैसे कैसे इसको बनाना है, तो आप लोगों ने व्लॉग को फुल वॉच करना है क्योंकि रेसिपी बहुत मज़े की है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और थोड़ी डिफरेंट भी है। आज मैंने क्यूब्स ऐड नहीं की क्योंकि हमारी ख़त्म हो गई हुई है, तो वो भी अभी बनानी है हमने। तो ये देखें फिर इस झंझट से हम बच जाते हैं अगर क्यूब्स वगैरह बनाई हों तो। फिर मैंने वो वैसे यूज़ कर लेनी थी, लेकिन अभी जो है सब्ज़ मिर्चें और जो है ना अदरक वो डाल के तो वो मैं दोबारा से ग्राइंड करूँगी उसको। और ये देखें जी कुछ टाइम अब लगेगा इसको हमें फ्राई करने में, इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर प्यारा सा कलर ना आ जाए। तो यानी कि ज़्यादा हमने इसको पका लेना है तो अच्छे से फ्राई कर लेना है, फुल वाला फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम बाकी जो उसको मसाले वगैरह को हमने ग्राइंड किया है उसका हम कुछ करेंगे, वो भी आपको बताएँगे साथ साथ। तो व्लॉग आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताया करें, और जो न्यू लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और ये देखें जी हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है बहुत अच्छा सा, इसका कलर भी आ गया है। तो अभी इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद ये जो ऑयल इसमें बच जाएगा इसी के अंदर हम जो है वो बाकी का जो मिक्सचर हमने ग्राइंड किया था जो बचा हुआ था हमारा प्याज और लहसुन का वो इसमें ऐड करेंगे। मैं दोबारा से फिर बता रही हूँ, अगर आपके पास यानी कि लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची और प्याज वगैरह सारा कुछ एक टाइम में मौजूद है तो आप उसको कट्ठे को जो है ना डाल के जग में तो उसको ग्राइंड कर लें और उसको पीस लें, अच्छे से पेस्ट बना लें। तो ये जी मैंने प्याज डाल दिया है और साथ लहसुन का पेस्ट भी था, वो सारा पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। और जो हमारी प्लेट में चिकन पड़ा हुआ था जिसमें हमने मैरिनेट किया था, अभी हम वो वाला भी इसके अंदर सारा डाल देंगे क्योंकि चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, रिस्क को ज़ाया नहीं करते। तो ये जी हमने ये भी इसमें डाल दिया है।
अभी जो हमने मिर्चें और अदरक ग्राइंड किया था ना, अब वो भी हम इसमें ऐड करेंगे सारा मिक्सर डाल के। तो फिर हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा भुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये जी सारा हम इसका, थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं जग में, थोड़ा सा पानी जग में डाल के तो उसको अच्छे से जो है वो हम साफ़ कर लेंगे, सारा मिक्सचर उसके साइडों से उतार लेंगे और वो भी हम जो है इस मसाले में डाल के तो उसको भून लेंगे। इसमें मैंने रेड मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं ऐड की, सिर्फ़ इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं और साथ ये चिली फ्लेक्स थे वो डाले हैं, इसके अलावा मैंने मिर्चें इसमें ऐड नहीं की। तो ये जी बस हम इसको अच्छे से भूनते जाएंगे जब तक ये थोड़ा सा घी ना छोड़ दे, ऑयल ना इसके ऊपर आ जाए। अभी इसमें मैंने डाली हैं 2 मोटी इलायचियाँ और इसमें मैं ना चिली फ्लेक्स और नमक वगैरह जो है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने जब देखा तो वो स्किप हो चुका था, क्योंकि मुझे ये था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन वो नहीं रिकॉर्ड हुई। फिर मैंने इसलिए दिखाया है कि मैंने ये ऐड करती हुई हैं। अभी इस स्टेज पे आके तो फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन, और इसमें सिर्फ जो है ना वो मैंने डाली है मोटी इलायची ऐड की है। और अभी जो है वो इसमें हम डाल देंगे मलाई। आप लोगों के पास अगर क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें ना मलाई जो हमने गर्मी जमा की होती है ना, फ्रीज़ की होती है, वो मैंने निकाल के रख दी थी बाहर, तो कुछ फ्रेश भी है इसमें, यानी फ्रेश तो ये भी है लेकिन यह कि इसको फ्रीज़ किया होता है तो उसको फिर थोड़ा टाइम लगता है मेल्ट होने में। तो फिर मैंने वो डाल के तो इसको मिक्स कर दिया इसमें। आपके पास अगर दूसरी क्रीम है पैकेट वाली वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे, जब मलाई जो है वो भी सारा घी अपना छोड़ देगी और अच्छे से पक जाएगी। अभी एंड पे आके अब हमने डालना है इसमें पिसा हुआ धनिया जो है उसका पाउडर, और साथ हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर और ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें। तो ये जी है ज़ीरा, ये भी 1/2 टीस्पून है, और जो सूखा धनिया है उसका पाउडर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, 1 स्पून भी ऐड कर सकते हैं। और ये है जी ज़ीरा पाउडर, ये घर में मैंने चीज़ें ग्राइंड करके रखी हुई हैं पीस के। और ये है जी सब्ज़ मिर्चें और साथ अदरक जो है उसके स्लाइस कटिंग किए थे, तो ये ऐड करके फिर इसको हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये अच्छे से इसके ऊपर घी वगैरह नहीं आ जाता, ऑयल नहीं आ जाता। तो इसको बस हम ऐसे ही भूनते जाएंगे अच्छे से। और इतना मुश्किल हो जाता है ना इस टाइम, यानी कि दोपहर के टाइम जो है वो रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि बाहर इतना शोर होता है, अभी भी आपको जो है ना आवाज़ आ रही होगी, कभी गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, कभी कोई चीज़ बेचने वाला आ जाता है, तो बार बार जो है ना इसको जो स्टॉप करके फिर दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो जी फिर बाद में साथ साथ मैंने बना दी थी रोटियाँ, तो ये देखें जी हमारी रोटियाँ भी बन रही हैं साथ साथ। कैसी बनी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट करने में सब लोग जो है ना देखते ज़रूर है लेकिन कमेंट करने में कंजूसी कर जाते हैं। तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है हमारी चिकन कढ़ाई, और बहुत मज़े की बनी थी, डिफरेंट भी थी। तो इसको आपने ज़रूर जो है ट्राई करना है और घर वालों को भी ट्राई करवाना है। तो ये जी मैंने एक एक करके जो है वो बस रोटियां बना ली हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, भूख लगी हुई थी सबको। तो जी ये देखें बड़ी सॉफ्ट सी, और कभी कभी तो फुल रोटी जो है वो फूल जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ था, रोटियों को भी पता था कि हमें जो है ना वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, वीडियो में आ रही है हम, तो इस वजह से उन्होंने भी कहा हमने आज है ना फुल नहीं फूलना, लेकिन ये कि है सॉफ्ट थी, अच्छी बन गई थी। तो जी बस इसको हम बना लेंगे। फिर मैं साथ साथ जो है डिब्बे में रख रही थी हॉट पॉट में, जिसमें जो है ना अच्छे से गर्म हो के फिर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो बस अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा सालन जो है वो भी हो गया है डिश आउट, और मेरा मोबाइल गिर गया था यहाँ पर नीचे, तो अभी उसको उठाया दोबारा से, और ये हमारी कढ़ाई जो है वो भी रेडी हो गई है, और इसको अब हम करेंगे डिश आउट। और देखिए कैसी लुक है इसकी, ये देखा फिर से गाड़ी गुजर के गई है, तो इतना मसला हो जाता है ना वॉइस ओवर करने में। तो ये सारा जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा सा सालन निकाल लूँगी, जितनी ज़रूरत है बाउल में ऐड करूँगी।
तो ये देखें जी, और हमारे बच्चों को तो हो गई हुई हैं छुट्टियां, तो आप लोगों का क्या सीन है? बच्चे काफ़ी तंग कर रहे होंगे सबके, मेरे तो बड़ा तंग करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग न्यू हैं, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। चिकन भी सस्ता हो गया होगा जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको आइडिया हो गया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब तक लिए न्यू ब्लॉग जो है वो रेडी नहीं हो जाता।